हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मारुति सुजुकी जिमनी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसकी कुछ खास बातों के बारे में। मारुति सुजुकी ने अपकमिंग एसयूवी जिमनी के लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की बात सामने आ रही है कि इस दहासु ऑफ रोडिंग एसयूवी को अगले साल अगस्त में भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है और ये 5 डोर ऑप्शन में आ सकती है। इस एसयूवी का लंबे समय से इंतजार हो रहा है और इसका मुकाबला महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा समेत अन्य एसयूवी से होगा। मारुति सुजुकी जिमनी के 3 डोर वर्जन को ऑटो एक्सपो 2020 में देखा गया था और तब से इसको लेकर लोगों में क्रेज दिख रहा है। मारुति सुजुकी जिमनी 5 डोर के संभावित लुक और फीचर्स की बात करें तो इसमें LED DRL, LED हेडलैम्प और टेल लैम्प, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट वाला 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, हील होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और 6 एयरबैग समेत कई और स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। अपकमिंग मारुति सुजुकी जिमनी 5 डोर SUV के इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर के 15B पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि 12 वोल्ट SHVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस हो सकता है। यह इंजन 102 BHP की पावर और 138 Nm की टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। अपकमिंग मारुति जिमनी 5 डोर में 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।